प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपना 13वां पाठ धूप, जो कि एक कविता है, उसे कर रहे हैं। और आपको पता है, हमने मौखिक प्रश्नों के उत्तर आपको चर्चा के द्वारा हल करके दिखाए थे, सिखाए थे, और आज हम चलेंगे इसके लिखित प्रश्नों की तरफ। तो मौखिक प्रश्न को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। कवि ने धूप की तुलना किससे की है और क्यों? हम सरल वाक्यों में ही लिखेंगे। आपको पता है कि कवि ने धूप की तुलना सोनपरी से की है, क्योंकि वह भी सबका भला करती है। हमने चर्चा के द्वारा आपको बताया था, सोन जो परियां होती हैं बच्चों, वे धरती पर लोगों का भला करने के लिए ही आती हैं। तो ठीक उसी तरह जो धूप होती है, वह भी लोगों की भलाई के लिए ही धरती पर आती है, ताकि सभी जीवों का, चाहे मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो या अन्य जीव जंतु, सबका भला हो सके। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे। कब प्रश्न था हमारा, कवि ने धूप की तुलना किससे की है और क्यों? तो हम कहेंगे, कवि ने धूप की तुलना सोनपरी से की है, क्योंकि वह भी सबकी भलाई करती है। धूप कहाँ कहाँ जाती है, उस स्थान का नाम बताना है। दूसरा प्रश्न है हमारा, ख धूप कहाँ कहाँ जाती है। तो हमारा दूसरा प्रश्न, धूप लगभग हर जगह जाती है, संसार में हर कोने में जाती है। तो हमें जो जो कविता में दे रखा है, कम से कम उनके नाम बताने हैं। हम लिखेंगे, धूप घर पे, छत पर, गांव में, गलियों में, बाग बगीचे में, नदियों में और जंगलों में, खेतों में, खलिहानों में और ताल तलैया तालाबों में भी जाती है। तो ये सारे स्थान थे जहाँ जहाँ धूप जाती है, उन सबको हमें बताना था। हमारा अगला प्रश्न है, ग धूप किससे किसके साथ कौन सा खेल खेलती है। ये हमारा तीसरा प्रश्न है, ग धूप किसके साथ और क्या खेलती है। तो खेल का नाम भी बताना था और किसके साथ खेला जा रहा है खेल, वह भी हमें बताना था। तो हम कहेंगे, धूप बादलों के साथ लुका छिपी का खेल खेलती है। हमने देखा था, आपको बताया था, वर्षा ऋतु में आसमान जो होता है वो बादलों से भर जाता है, और जो बादल होते हैं बड़े मस्ती में बेफिक्र होकर के, बिना परवाह किए, पूरे आसमान में अपना पांव पसार के रखते हैं, फैल जाते हैं, और कभी कभी पूरा आसमान भी ढक लेते हैं। आपने भी देखा होगा, अनुभव किया होगा। और कभी जैसे ही बादल जरा से हटते हैं, धूप उसके अंदर से नीचे घुस जाती है, धरती तक पहुंचने की कोशिश करती है। फिर वो जैसे ही बादल से वो जगह ढक जाता है, धूप आनी बंद हो जाती है। फिर कहीं और से जाकर बादल हटता है तो धूप वहाँ से आना शुरू हो जाती है। तो जैसे कि कोई बच्चे लुका छिपी का खेल खेल रहे हों, उसका अनुभव होता है। आपने देखा है, छोटे बच्चे लुका छिपी का खेल खेलते हैं, एक बच्चा ढूंढता है, बाकी बच्चे छिप जाते हैं। ठीक उसी तरह हमारी जो धूप है, बादलों के साथ लुका छिपी का खेल खेलती है। तो एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, ये प्रश्न का कैसे संक्षेप में ही उत्तर लिखना है, बड़ा तो लिखना नहीं है। ग प्रश्न है, धूप किसके साथ कौन सा खेल खेलती है। हमारा उत्तर है, धूप बादलों के साथ लुका छिपी का खेल खेलती है। तो धूप बादलों के साथ लुका छिपी का खेल खेलती है, लुका छिपी खेल का नाम। अगला हमारा चौथा प्रश्न घ है, कवि ने बादलों को मस्त क्यों कहा है। कवि ने बादलों को मस्त क्यों कहा है, क्योंकि मस्त का अर्थ है वो बेफिक्र, मस्ती से, उनको कोई फिक्र नहीं होती वर्षा ऋतु में, जब वे आसमान को ढक लेते हैं, अपनी मर्जी से यहाँ से वहाँ वे उड़ते चले जाते हैं। बादल जो होते हैं वो मस्ती से एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ते जाते हैं, उन्हें किसी बात का कोई फिक्र या चिंता नहीं होती,
और वे भी निश्चिंत होकर धूप के साथ लुका छिपी का खेल रहे होते हैं, खेल, इसीलिए उन्हें मस्त कहा गया। अगर धूप उनके साथ खेल रही है तो वे भी तो लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। तो हमारा उत्तर होगा, कवि ने बादलों को मस्त क्यों कहा है? कवि ने बादलों को मस्त कहा है क्योंकि बादल भी निश्चिंत होकर के धूप के साथ लुका छिपी का खेल खेलते हैं, वे भी एकदम बेफिक्र रहते हैं। पांचवा है अंग, धूप थक क्यों जाती है? तो हमने देखा है शाम को धूप थक जाती है, उसकी आंखें, कवि ने बता रखा था कि शाम को, कवि ने क्या बताया कि जो धूप है थक जाती है, उसकी पलके अलसा जाती है। अब पलके में आलस आ जाता है जो कि सुबह नहीं था, दिन भर उसने काम किया है, पूरब से लेके पश्चिम तक वे गई है धूप, लेकिन शाम, तो शाम को जरा सा उसमें आलस आ जाता है। और कारण भी है भाई, उनका जो रास्ता है बहुत लंबा है, पूरब से लेके पश्चिम तक उसे पैदल चलना पड़ता है पैदल, और उसके पैर भी थक जाते हैं, कविता में लिखा गया है। तो हम कहेंगे धूप थक जाती है क्योंकि उसे पूरब से पश्चिम तक दिन भर चलना पड़ता है, ये भी तो इसका है, ये हमारा प्रश्न था। अगला है, ये मौखिक था, मौखिक प्रश्न है, धूप थक क्यों जाती है? इसका कारण आज हम बताना, धूप थक क्यों जाती है? थक क्यों जाती है? उत्तर है, धूप थक जाती है क्योंकि वह पूरब से पश्चिम तक, सुबह से शाम तक चलती रहती है। दोनों तरह से आप लिख सकते हो, उसके दोनों उत्तर सही हैं। धूप थक जाती है क्योंकि उसे सुबह से लेकर शाम तक चलना पड़ता है, हर जगह जाना पड़ता है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, धूप थक जाती है क्योंकि वह सुबह से लेकर शाम तक उसे हर जगह जाना होता है, इस कारण से धूप थक जाती है। या फिर हम दूसरा भी लिख सकते हैं, धूप को हर स्थान पर जाना होता है, इस कारण वह शाम को थक जाती है। तो ये दोनों ही उत्तर सही हैं और हम दोनों ही उत्तर अपने हिसाब से देख सकते हैं। हमारा अगला है छह प्रश्न, इस पे हम लोग चलते हैं। धूप थक कर क्या करती है? ये है हमारा छह प्रश्न। धूप थक कर क्या करती है? उत्तर है, धूप थक कर संध्या को सो जाती है। प्रश्न क्या है, धूप थक कर क्या करती है? तो इसमें हमें पता है वह काफी परिश्रम करती है, सुबह से लेकर शाम तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक उसे जाना पड़ता है और उसके पैर थक जाते हैं और थक के बस हो जाते हैं। हमें बस इतना बताना है, धूप थक कर क्या करती है? धूप थक कर सो जाती है। धूप थक कर क्या करती है? धूप थक कर सो जाती है। तो यही उत्तर होगा हमारा, धूप थक कर क्या करती है? धूप थक कर सो जाती है। तो इसीलिए संध्या के बाद हमें कभी भी धूप नहीं दिखाई देती, बल्कि अगले दिन ही धूप दिखाई देती। तो ये था हमारा मौखिक प्रश्न। अब बच्चों, हम चलते हैं अपने लिखित प्रश्न पे।
और पहला लिखित प्रश्न आप अपने पाठ्य पुस्तक में ही कर सकते हैं क्योंकि जगह दे रखा है। तो मैं शुरू करता हूं अपना लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न, हमारा लिखित प्रश्न है और आप इसे अपने पाठ्य पुस्तक में कर रहे हैं। कविता की पंक्तियां पूरी करो, ये इसीलिए मैंने आपको कविता याद करवाया था ताकि आप ऐसे प्रश्नों को भी आसानी से कर सकें। कविता की पंक्तियां पूरी करो। पंक्तियां पूरी करो, कौन कौन सा है? पहला क दे रखा है तो उसमें कुछ पंक्ति दे रखी है और कुछ हमें पूरी करनी है। सुबह सवेरे, सुबह सवेरे सोन परी से, सोन परी इसके बाद हमें पंक्ति नहीं दी है। फिर अगली पंक्ति हमारी है, अपनी झोली के किरणों से, अपनी झोली अपनी झोली से किरणों के किरणों के इसके बाद एक और पंक्ति नहीं दी गई है, इसे भी हम लिख लेते हैं। ये पंक्ति हमें नहीं दी गई है। तो सुबह सवेरे सोम परी सी छत की घर की छत पर आती है धूप। तो इसके बाद ये पंक्ति हमें पूरी करनी है, तो यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। घर की छत पर, घर की छत पर आती धूप, अपनी झोली के किरणों के मोती खूब लुटाती हूँ। अगला है मोती खूब लुटाती हूँ। पूर्ण विराम। तो बच्चों ये था हमारा पहला क भाग। इसे आप कविता याद इसीलिए करवाया जाता है कि आप ऐसे प्रश्नों को, चाहे परीक्षा में हो चाहे हमारे पाठ्य पुस्तक का प्रश्न हो, आप इसे आसानी से कर सकें। तो ये था हमारा पहला लिखित क। इसका एक और भाग है बच्चों, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। ख, घिरे मस्त बादल कजरारे, और उसके बाद दो हमें और करना है। एक बार इसको देख लीजिए फिर से। सुबह सवेरे सोन परी सी घर की छत पर आती धूप, ये हमें लिखना था, ये हमें दे रखा था। अपनी झोली से किरणों के मोती खूब लुटाती धूप, ये नहीं दिया था, मोती खूब लुटाती धूप, ये हमें लिखना था। अब हम अपने ख प्रश्न पे चलते हैं। हमने क तो कर दिया, ख पे चलते। ख, घिरे मस्त बादल कजरारे,
मस्त बादल कह रहा है इसके बाद हमें दो पंक्तियां लिखनी थी घिरे मस्त बादल कजर आ रहे तो कविताओं को कि हम लोग पंक्ति लिखेंगे इसके बाद ये हमें दिया हुआ दो पंक्तियां हमें लिखनी है तो लिखेंगे नभ पर फिरते नभ का अर्थ होता है आसमान नभ पर फिरते पांव पसारे नभ में फिरते फिरते पांव पसारे अगला है लुका छिपी का खेल खेलती मतलब अगली पंक्ति थी लुका छिपी का लुका छिपी का खेल खेलती बादल में छुप जाती थी तो दो पंक्तियां ही हमें लिखनी थी तो हमने दोनों पंक्तियों को लिख दिया हमें एक पंक्ति दी थी घिरे मस्त बादल कजर आ रहे इसके बाद की दो पंक्तियां हैं नभ में फिरते पांव पसारे लुका छिपी का खेल खेलते तो ये था हमारा कविता पूरी करो ये हमारा लिखित का पहला प्रश्न था अब हम चलेंगे बच्चों अब हम अपने लिखित प्रश्न उत्तर के तरफ चलते हैं इसे आपको अपने नोटबुक में लिखना है तो लिखित प्रश्न उत्तर आप उसे अपने नोटबुक में करेंगे तो मैं लिखता हूं हमारा लिखित क्या ही है प्रश्नों के उत्तर दें और आपको पता है लिखित प्रश्नों के उत्तर हम नोटबुक में लिखते हैं किसमें लिखते हैं नोटबुक में अपनी लिखते हैं तो शुरू करते हैं अपना लिखित प्रश्न ये है हमारा दूसरा प्रश्नों के उत्तर लिखो और ये आप नोटबुक में लिखेंगे और याद भी करेंगे प्रश्नों के उत्तर लिखो और पहला प्रश्न हमारा दिया है पहला प्रश्न है धूप सुबह से शाम धूप सुबह से शाम तक क्या क्या करती है तक क्या क्या करती है इसका उत्तर हमें लिखना होगा लिखित रूप में इसे करना है तो सबसे पहली बात धूप का काम आपको हम चर्चा करते हैं धूप का काम पे हमने पहले भी चर्चा किया था कि धूप सुबह से शाम तक क्या करते मतलब धूप के कौन कौन से काम थे ये सब हमें बताने हमें पता है धूप पूरब से सुबह सुबह निकलती है और संसार के हर जगह उसको जाना होता है चाहे वो घर पे हो घर की छत पे हो
बाग बगीचे में हो, जंगल झाड़ मतलब वनों में हो, जंगलों में हो, नदियों में हो, तालाबों में हो, बाग बगीचे में भी जाती है, आपने देखा था खेतों में भी जाती है, खलिहानों में भी जाती है, धूप लगभग हर जगह में जाती है, चाहे गांव हो चाहे गांव की गलियां हो। तो धूप का काम होता है कि संसार में हर जगह जाना, और यही उसका काम भी होता है। तो हमें यही सब जगहों के नाम बताने हैं कि धूप सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करती है। उसका काम होता है हर जगह पहुंचना, हर जगह रोशनी फैलाना, सबकी मदद करना। खासकर सर्दियों में आपने देखा होगा, सर्दियों में जो आप लोग छतों पे चले जाते हैं, क्यों? सबसे पहले धूप छत पे ही आती है। कभी आपने गौर किया है कि सबसे पहले जो धूप होती है छत पे आती है, फिर घरों पे आती है। इसीलिए लोग ही छत पे चले जाते हैं ताकि वे धूप का स्वागत कर सकें, धूप का आनंद ले सकें। और उसके बाद वह संसार के हर जगह पे जाती है, क्योंकि उसका काम एक सोनपरी की तरह होता है। सोनपरी क्या करती है? सबकी मदद करती है, सबको रोशनी देती है अपने सुनहरी किरणों से। सबको जैसे कलियों पे जाती है तो कली खिल करके फूल बन जाते हैं और जो दुनिया है वो सुंदर लगने लगती है। अगर रोशनी नहीं होगी, धूप नहीं होगी, तो पूरा संसार हमें वीराना लगेगा, उसकी सुंदरता सब समाप्त हो जाएगी। तो धूप सबके लिए ज़रूरी है, न केवल पेड़ पौधों के लिए, मनुष्यों के लिए, पूरी धरती के लिए ज़रूरी है। चाहे वो नदी हो, तालाब हो, आपने कभी नदी के पानी में सूरज की जो धूप होती है उसकी चमक देखी है तालाबों में? तो न केवल पेड़ पौधों के लिए ज़रूरत होती है, हर चीज़ के लिए। नदी की रेत पे जो सीपियाँ होती हैं कैसे चमकने लगती हैं धूप के पड़ने पर, ये बताया भी गया था। तो चलते हैं, हम लिखते हैं इसका उत्तर, और इसे आपको अपने नोटबुक में लिख करके याद करना। तो हम लिखेंगे धूप, सबसे पहले बात धूप सुबह से शाम तक संसार में हर स्थान जाती है, संसार में या दुनिया में, संसार में हर स्थान पर, हर स्थान में जाती है। सबसे पहली बात हमें ये बताना है कि वो किसी स्थान को छोड़ती नहीं, वह किसी स्थान को छोड़ने का काम नहीं करती, हर स्थान में उसको जाना है। उसके बाद क्या है, अब हम स्थानों का नाम लिख देते हैं। वह बाग में, छत पर, कोई भी हम छोड़ेंगे नहीं, जो हमें खासकर जो कविता में दी है, वह बाग, बाग बगीचे, वह बाग बगीचे, उसके बाद में खेत खलिहान, किसानों के खेत होते हैं। और हमारे पुस्तक में भी लिखा है खेत खलिहान, उसके बाद में घर पर, घर, छत, गांव, गांव, गली, गांव, गली,
उसके बाद में ताल तलैया, ताल तलैया और नदी और नदी पर अपनी रोशनी, अपनी रोशनी या अपनी धूप डालती है, अपनी धूप डालती है। तो ये सब किसका काम था? ये धूप का काम था। क्या क्या काम करती है? एक तो हर जगह जाती है और वह बाग बगीचे, प्रश्न एक बार देख लो पहले, धूप सुबह से शाम तक क्या क्या करती है? हमें यहाँ पे धूप के काम के बारे में बताना है। धूप का क्या काम है? सुबह वह पूरब से निकलती है, पश्चिम तक जाती है, हमें पता है, लेकिन इस बीच में धूप ने क्या क्या काम किया है? तो एक तरह से हम कहेंगे जो धूप है, धूप सुबह से शाम तक संसार में हर स्थान पर जाती है। उसका काम है कि सुबह निकलने से लेकर शाम तक उसे हर स्थान पर जाना है, अपनी रोशनी या हम कहेंगे धूप पहुंचानी है, क्योंकि उसकी रोशनी के बिना संसार सुंदर नहीं रह पाएगा। तो सभी प्राणियों को, सभी जीवों को, चाहे वो पेड़ पौधे हों, मनुष्य हो, नदियां हो, झरने हो, तालाब हो या अन्य जीव जंतु हो, सबके लिए धूप आवश्यक है, जरूरी है, और इसीलिए वह हर जगह जाती है। उसका काम ही है इस संसार में हर जगह जाना है। वह बाग बगीचे, अब उस जगहों के नाम जो जो हमें कविता में लिखे हुए लिख रहे हैं, वह बाग बगीचे, खेत खलिहान, खलिहान हुआ स्थान होता है जहाँ पे कि खेतों की फसलों को काट के रखा जाता है और वहीं पे फसलों से दाने अलग किए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। खेत खलिहान आपको पता है, खेत जहाँ फसलें लगाई जाती हैं, और खलिहान वह स्थान है जहाँ पे कि जो फसलों को काट करके रखा जाता है ताकि वहाँ से उनमें से दाना निकाला जा सके। तो वह बाग बगीचे, खेत खलिहान, घर, छत, गांव, गली, ताल तलैया और नदी पर अपनी धूप डालती है। ठीक है, तो फिर से एक बार इसका उत्तर देखो। धूप सुबह से शाम तक क्या क्या करती है? धूप सुबह से शाम तक संसार में हर स्थान में जाती है। वह बाग बगीचे, खेत खलिहान, घर, छत, गांव, गली, ताल तलैया और नदी पर अपनी धूप डालती है। तो ये था धूप का काम, जो हमें पता होना चाहिए धूप क्या क्या काम करती है। तो बच्चों, आप इसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद करें, और ये आपको लिखित कार्य है, इसे आपको नोटबुक में लिखना है। मौखिक वालों प्रश्नों को हमने चर्चा के द्वारा किया था, आप उसे समझ गए थे, वो आपको याद रखना है, वो लघु प्रश्नों के रूप में आएंगे, और विस्तृत प्रश्नों के विस्तार से उत्तर देने वाले, ये हम कहेंगे ये हमारे उत्तर हैं। तो इसे आपको नोटबुक में लिखना भी है और याद करना है। इसके अलावा भी हमारा एक प्रश्न और है लिखित में, जो कि हम कल करेंगे। आज के लिए आपका गृह कार्य है कि आप जो हमारा लिखित प्रश्न का पहला, जो कि आपको पाठ्य पुस्तक में करना है, उसको भी करेंगे, और एक इसे आपको जो प्रश्न उत्तर है उसे नोटबुक में लिख करके याद भी करना है। तो ये हमारा गृह कार्य है। आज के लिए बस इतना, जो शेष है हम दूसरा प्रश्न उसे कल करेंगे।